अरे सुनिए, स्वामी जी कहाँ होंगे इस वक्त? प्रणाम स्वामी जी। सुखी रहो। चरण चूने वाले से अच्छा व्यक्ति वो होता है जो हृदय चू ले। कहो कौन हो तुम? स्वामी जी मेरा नाम इंस्पेक्टर सिद्धांत है। मैं आपके शिष्य शास्त्री जी का बेटा हूँ। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो त्याग के बल से इतने महान हो जाते हैं कि उनके गुरु को भी उनकी इज्जत करनी पड़ती है, और शास्त्री मेरा ऐसा ही शिष्य है जिसकी मैं इज्जत करता हूँ। कहो किस उद्देश्य से आना हुआ? स्वामी जी मैं शहर में 100 से भी अधिक कुछ ऐसे बच्चों को जानता हूँ जो अपाहिज भी हैं और अनाथ भी। मेरी आपसे ये विनती है कि अगर आप उन्हें अपनी शरण में ले सकें तो। शरण में नहीं, ये समझो कि मैंने उनको अपने हृदय से लगा लिया, क्योंकि इन बच्चों में भगवान बसा करते हैं और मैं ये चाहता हूँ कि इन भगवान के चरणों में ही मेरी जिंदगी का अंत हो जाए। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी सर, कपाली की हालत सुधर रही है, धीरे धीरे उसे होश आ रहा है और मैं समझता हूं कि कुछ ही देर में वो बयान देने काबिल हो जाएगा। हेलो हेलो इंस्पेक्टर। हेलो, देखिए बहुत अर्जेंट मैसेज है जो इंस्पेक्टर सिद्धांत को देना है। हेलो, अरे किसने फोन उठाया ये? हेलो बोलते क्यों नहीं? हेलो हेलो डॉक्टर का फोन आया है कि कपाली होश में आने वाला है। कपाली को किसी भी तरह हॉस्पिटल से निकालना होगा। अगर होश आने पर उसने हमारे खिलाफ पुलिस को बयान दे दिया तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। कपाली इतना कमजोर नहीं है बाबूजान, जो इतनी जल्दी सबको चुगल दे। मिस्टर सलीम शूटर, इंस्पेक्टर सिद्धांत सूरी के मार के सामने गूंगे भी गजल गाना शुरू कर देते हैं। अंदर आ जाओ बाबू जान। परेशान होने की क्या बात है? बात साफ है, शरीर का जो अंग सड़ जाए उसे काट कर फेंक दिया जाता है। कपाली को खत्म कर दो। ये तुम कह रही हो? तुम तो उसकी महबूबा थी, रखेल थी। बाबूजान, मैं वो फूल नहीं जो किसी लाश पर फेंका जाता हो। मैं वो फूल बनना चाहती हूँ जो हमेशा जीते हुए आदमी की जयमाला में रहना चाहता हो। तुम बॉस बन जाओगे तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। आपका जन्मदिन था। आ,
पिछले गेट के क्राउड को कंट्रोल करो, जाओ। जाओ जल्दी से लाश का पंचनामा करो। पीछे हटो, पीछे हटो, यहां से पीछे। पीछे हटो, पीछे पीछे हटो, हटाओ सबको पीछे यहां से, सबको पीछे हटाओ, कोई तमाशा नहीं हो रहा यहां पर। हमें कपाली की लाश भी चाहिए। हाँ तुम तो उसकी असली वारिस हो, तुम्हें तो लाश मिली जाएगी। हाथ पीछे। मत लीजिए, अरे कानून को तो तुम लोग अपने हाथ में लेते हो। हम कानून अपने हाथ में लेते हैं, लेकिन उसे इज्जत के साथ, जिस तरह कोई गीता या कुरान अपने हाथ में लेता हो। मगर आप लोगों ने एक गुंडे के लिए पत्थर और डंडे अपने हाथों में उठा लिए हैं। भूल गए कि कपाली ने कई निर्दोषों की जान ली? भूल गए कि कईयों की इज्जत लूटी उसने? कुछ भी था वो हमारी जात वाला था। जात दुनिया में सिर्फ दो तरह की होती है, एक वो जो आंसू पीता है, एक वो जो खून पीता है, एक वो जो इंसानियत को आबाद करता है, एक वो जो इंसानियत को बर्बाद करता है। कपाली जैसे समाज का कोड अगर आपकी जात का हुआ तो क्या आप उसे गले लगा लेंगे? एक वक्त हुआ करता था जब हमारा समाज उसे अपना हीरो बनाता था, जो इंसान त्याग और बलिदान की मूर्त हुआ करता था। मगर आज लोगों ने गुंडों को अपना हीरो बनाना शुरू कर दिया है। अरे ये गुंडे तो गुंडे होते हैं, गंदगी लाख माथे पर रगड़ो वो चंदन नहीं बनती, हर लुटेरा वाल्मीकि नहीं बनता। बंद करो, बंद करो गुंडों की पूजा का ये रिवाज। और अगर ये रिवाज बंद नहीं हुआ तो वह दिन दूर नहीं जब इस देश की कोख से सिर्फ गुंडों की नस्लें पैदा होंगी और उसका सबसे भारी नुकसान तुम जैसे लोगों को होगा, तुम जैसे लोगों को। भाषण बंद करो, हमें कबाली का कातिल चाहिए, कातिल। हट। मुझे कौन सा भाषण देकर तुझ जैसे नामर्द का वोट लेना है? गेट आउट फ्रॉम हियर, गेट तोड़ दो और चलो आगे। हर वो कदम जो कानून तोड़ने के लिए आगे बढ़ेगा मैं उसे अपाहिज कर दूंगा।